एमएस धोनी के डीआरएस पर उठे सवाल। धोनी के डीआरएस पर इंटरनेशनल अंपायर ने उठाई उंगली। हर बार सही नहीं होता माही का फैसला। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का नाम सफल डीआरएस लेने के मामले में सबसे ऊपर आता है। धोनी को क्रिकेट की दुनिया का मास्टरमाइंड भी माना जाता है। अपने करियर के दौरान वह अक्सर विकेट के पीछे से सभी को हैरान कर देते थे। कप्तानी के दौरान धोनी विकेट कीपिंग में काफी सतर्क रहते थे और डीआरएस का फैसला सटीक लेते थे। यही वजह है कि उनके डीआरएस लेने के बाद खुद अंपायर को भी अपने फैसले पर शक होने लगता था। धोनी ने कई बार इस तरह से अंपायर के फैसले को गलत साबित किया है। धोनी जब कप्तानी से हटे तो उन्होंने अपना ये टैलेंट विराट कोहली और रोहित शर्मा को भी सिखाया। लेकिन अब डीआरएस लेने के मामले में धोनी के ऊपर ही सवाल उठाया जा रहा है। ये सवाल इंटरनेशनल अंपायर अनिल चौधरी ने उठाया है। अनिल चौधरी ने एक बातचीत में कहा कि धोनी अपने फैसलों को लेकर हमेशा सही नहीं होते थे। हालांकि उन्होंने इस दौरान धोनी के काबिलियत की भी तारीफ की। अनिल चौधरी ने इसके साथ ही धोनी को आगे चलकर अंपायर बनने की भी नसीहत दे डाली। एक YouTube चैनल पर बात करते हुए एमएस धोनी को लेकर अनिल चौधरी ने बताया कि धोनी डीआरएस को लेकर हमेशा सही नहीं होते, कई बार ये उल्टा भी पड़ता है, लेकिन वह काफी करीब होते हैं, उन्हें खेल के बारे में काफी आइडिया है। अंपायर अनिल चौधरी ने विकेट कीपर्स को लेकर आगे कहा कि उनके पास एक अलग एंगल होता है, वह गेंद को अच्छे से फॉलो करते हैं। मैदान पर लंबे वक्त तक धोनी को देखने के बाद उनका मानना है कि वह एक अच्छे अंपायर बन सकते हैं। कई बार बेस्ट अंपायर विकेट कीपर्स को देखकर अपना फैसला लेते हैं कि वह किस तरह से जा रहे हैं। धोनी के पास अच्छा अंपायर बनने की सारी खूबियां हैं, क्योंकि वह मैदान पर 7 घंटे बिताने के लिए तैयार हैं। अनिल ने डीआरएस वाले मुद्दे पर धोनी के साथ साथ ऋषभ पंत की भी तारीफ की। उनका मानना है कि पंत धीरे धीरे एक बेहतर विकेट कीपर बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंत के अंदर पहले के मुकाबले खुद में काफी सुधार आया है, ये सब अनुभव के कारण है। आप रिप्ले देखते हैं और फिर आपने जो कॉल लिया था उस पर सोचते हैं। अंपायर भी कभी कभी विकेट कीपर की हरकत के आधार पर अपने फैसले लेते हैं, क्योंकि वे गेंद को अच्छी तरह से फॉलो करते हैं। कुल मिलाकर कहें तो धोनी ने अपनी डीआरएस वाली लेगेसी युवा खिलाड़ियों को बेहतरीन तरीके से ट्रांसफर की है। भले ही धोनी इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलते, लेकिन आईपीएल में अभी भी धोनी का यह जलवा जारी है। अभी भी फैंस धोनी की एक झलक पाने के लिए बेताब रहते हैं। जब जब आईपीएल में धोनी बल्लेबाजी करने आते हैं, तब तब पूरा स्टेडियम माही माही के नारों से गूंज उठता है।